बहुत उधर उधर बढ़ गए। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर गेम के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो वीडियो बन गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छी होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, आप सबकी दुआ है। तो आज मैं रेडी शेडी होके कहाँ जा रही हूँ, तो आज मैं जा रही हूँ पीएम मॉल। वो भी सडनली प्लान बना हम लोग का कि ऐसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, तो इसलिए हम लोग नहीं घूम रहे हैं ज़्यादा, हम लोग शाम को ही जाते हैं। तो सडनली प्लान बना घूमने का, तो हम लोग जा रहे हैं अपने शहर के सबसे बड़े मॉल जिसका नाम है पीएम मॉल। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, और क्या क्या करेंगे ये आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मेरी ड्रेस और मेरे कर्टन का कलर सेम हो रहा है, तो आप देख सकते हैं मेरी ड्रेस ये कैसी लग रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और व्लॉग में पूरा बने रहिएगा, व्लॉग को स्किप नहीं करिएगा। ऐसे तो मैं वैसे ऐसी ड्रेसें नहीं पहनती हूँ जल्दी, मेरे पास हैं बट मैं नहीं पहनती हूँ। और वैसे कुर्ती कहीं पर भी जाना होता है तो मैं सूट या कुर्ती पहन लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो आज मैंने थोड़ा अपना लुक चेंज किया है, वो भी हस्बैंड के कहने पे। वो बोल रहे थे तुम डेली सूट ही पहनती हो, कहीं बाहर जाती हो तो सूट पहनती हो, तो कुछ थोड़ा लुक अलग चेंज करके चलो मेरे साथ। तो मैंने उनकी पसंद से ये ड्रेस पहनी है। कैसी लग रही है ये ड्रेस मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बस कुछ ही देर में हम लोग पीएम मॉल पहुंचने वाले हैं, और हम लोग पहुंच गए थे बिस्टीपुर एरिया। यहीं से थोड़ी देर पे हम लोग पीएम मॉल पहुंचेंगे, और ये बिस्टीपुर का छोटा सा पार्क है। लो जी, हम लोग पहुंच गए पीएम मॉल, जो कि हमारे शहर का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स मॉल है। यहाँ पर आपको हर चीज़ देखने के लिए मिलेगा, बाहर से ही आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और इसको बनाया है बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रकाश झा जी ने। फाइनली हम लोग आ गए हैं पीएम मॉल के बाहर, और आज बहुत ज़्यादा रो रहा है क्योंकि उसके पापा बाहर पार्किंग में हैं। नौ बजे आ रहे हैं पापा, पापा आ रहे हैं। यह मॉल में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, चाहे संडे हो चाहे मंडे, वहाँ भीड़ आपको देखने को ही मिलेगी। तो आरू के पापा और जीजा जल्दी से गाड़ी पार्क करके आए। पीएम मॉल में और मेरे सिस्टर और फैमिली लोग देखे साथ में हैं, सब इधर उधर बढ़ गए। एंटर करते ही यहाँ सेल्फ़ी कॉर्नर बना हुआ था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, सब लोग यहाँ पर सेल्फियाँ ले रहे थे। उसके बाद हम लोग ये पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं पता। आरू जहाँ कहीं भी जाता है अपनी सैतानियाँ और मस्ती ज़रूर करता है, और हम लोग उसको करने ज़रूर देते हैं क्योंकि वो तो बच्चा है। तो आते ही उसने अपने पापा का हाथ छोड़ के और दौड़ने लगा, खेलने लगा। और मॉल इतना ज़्यादा बड़ा था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद तुम लोग अंदर आ गया, फिर बोलेगा मिक्सी चल जाएंगे। कॉर्नर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि सभी लोग यहाँ पर रुकते हैं और अपनी फ़ोटो वगैरह लेते हैं। तो मैं भी वही काम कर रही थी। फिर हम आरू कहाँ है, आरू बोर हो रहा क्या? नहीं, आरू को छोड़ने तो रॉकेट किस लिए बात कर रही है? आ रही है सौरभ किसी का भाई। आरू
यहाँ ईशू गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसको तुरंत ही गेम खेलना था। ऊपर जाने में हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्योंकि हम लोग कुछ कुछ अपने लिए देख रहे थे और यहाँ छोटी की मस्तियाँ स्टार्ट थी। छोटी हमारी सबसे अच्छी बच्ची है, वो कुछ भी नहीं करती है, बस डांस करती रहती है। और ये कैंडी का कॉर्नर लगा हुआ था, ये कुछ नया मुझे दिखा। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर गेम के लिए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं गेम खेलना। तो चलिए उनके साथ गेम देखिए ऊपर क्या क्या गेम है बच्चों के। गेम का जो एरिया था बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी और मुझे नहीं पता था कौन कौन से गेम होते हैं। शहर का सबसे बड़ा मॉल होने का यही अच्छा कारण है कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, ऐसे छोटे मॉलों में आपको देखने को नहीं मिलता है। और ये गेम कौन सा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इसका नाम नहीं पता है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे गेम थे जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा क्योंकि मैंने कभी ऐसे गेम खेले ही नहीं हैं। और छोटी यहाँ पर गेम देख रही थी, ईशू बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा गेम खेलना था। ईशू ने दो चार गेम खेल लिए हैं और जो उसको उसको पसंद है, बट मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है। और हस्बैंड मम्मी क्रिकेट देखने लगे, हम उन्हें आ गए हैं वहाँ से, वो कार्ड का रिचार्ज खत्म हो गया है, अब हम लोग घर जाएंगे। कुछ खाएंगे पहले? हाँ पहले कुछ खा लेंगे, खत्म घर की तरफ निकलेंगे। ईशू को खाने थे डोनेट तो हम लोग डोनेट लेने चले गए। डोनेट का प्राइस था 200 रुपीज़। आपको यहाँ आइसक्रीम कुकीज़ वगैरह सब कुछ मिलेगी मगर उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा मुझे कॉस्टली लगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही डोनेट लिया था क्योंकि ईशू को ही। नैपकिन है, नैपकिन है उसमें। कंजन तुम भी खा के देखो कैसा कैसा डे से कंजन, एकदम बकवास। पैंटालून आए और दीदी यहाँ से कुछ सामान ना ले ऐसा हो ही नहीं सकता। दीदी छोटी के लिए यहाँ ड्रेस लेने चली गई थी और मैंने यहाँ पर देखा बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए थे, समर कलेक्शन। और ये सूट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसका प्राइस 6,000 रुपीज़ था, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली था मगर ये ब्रांडेड था। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी ब्रांडेड, तो ब्रांडेड का प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। दीदी पैंटालून में शॉपिंग कर रही थी और आरू और मेरी मस्तियाँ ऐसी चली थी। आरू बार बार भाग के चला जा रहा था, मैं उसे रोक रही थी मगर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा थका दिया और अपने पापा को भी बहुत ज़्यादा थकाया। पीएम मॉल आप कभी भी शॉपिंग करने आते हैं तो अपने पॉकेट एकदम टाइट करके आइएगा क्योंकि यहाँ के प्राइस की कोई गारंटी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज है। मुझे तो सभी चीज़ में हाई रेंज ही लगा। ईशू की जिद पे हम लोगों ने ईशू को भी यहाँ पर राइड कराना स्टार्ट कर दिया और दो राउंड का आपको 200 रुपये पे करना होगा। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है बच्चों के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी क्योंकि सभी के बच्चे जिद कर रहे थे। आई होप आप सभी ने मेरा ब्लॉग इंजॉय किया होगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा ब्लॉग में। वाटरफॉल बहुत ही अच्छा लग रहा था और यहाँ की लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो हम लोग थक के बैठ गए थे बाहर क्योंकि आरू बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था बाहर निकलने के लिए क्योंकि थक चुका था। और आरू के पापा गए थे पार्किंग से गाड़ी लेने के लिए और आप भीड़ देख सकते हैं, रात के बजे थे 9 और अभी भी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। सब लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं और ट्रैफिक आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। आज का मेरा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।